माता, आपने ही मधु और कैटअप को उत्पन्न किया। तो माता, जब उनका अंत ही होना था तो आपने उन्हें जीवन दिया ही क्यों? माता, श्री महाकाली का यह ठास तो भयभीत करने वाला है। तेरे इस प्रश्न का तो एक ही उत्तर है रे। मैं जो भी करती हूँ उसका एक बड़ा कारण होता है। मधु और कैटअप का अंत इसीलिए होना था क्योंकि उनके अंत से एक नवीन आरंभ होना था। नवीन आरंभ? कैसा नवीन आरंभ? जल पर चलायमान थल के अंश को कठोरता प्राप्त हुई और ये था आरंभ पृथ्वी का। कोटि-कोटि धन्यवाद नारायण। आपके ही कारण मधु और कैटअप के शरीर के मेदिनी से मेरी सत्ता कठोर हुई है। अब इस पे सृष्टि संभव हो सकेगी। देवी पृथ्वी, धन्यवाद मेरा नहीं, देवी महाकाली का कीजिए, जिनकी लीला से मधु और कैटअप उत्पन्न हुए और मैंने उनका अंत किया। मैं तो मात्र उनकी लीला में सहायक था। सृष्टि का पुनः निर्माण उन्हीं की लीला का परिणाम है। हम कृतार्थ हुए माता, आपकी अद्भुत लीला की और आपकी लीला के परिणाम स्वरूप सृष्टि के पुनर्निर्माण की कथा सुनकर। हाँ माँ, हम धन्य हुए आपकी लीला की कथा सुनने का अवसर जो प्राप्त हुआ हमें। और उससे भी बड़ा सौभाग्य तो ये था कि ये कथा हमें साक्षात आपके श्रीमुख से सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी ही लीला की कथा सुनाकर आपने हमें कृतार्थ कर दिया माता। किंतु हमें ये भी बताइए माता कि आपके देवेश्वरी महाकाली रूप की कृपा से हम भक्तों को कैसा सुफल प्राप्त होता है? मैं जब श्री महाकाली रूप में अवतरित होती हूँ तो उस समय महादेव महाकाल रूप में मेरे साथ होते हैं। की आराधना से मेरे भक्तों को जीवन के सभी सुख और भोग के सभी साधन प्राप्त होते हैं और उनकी समस्त धर्मोचित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन के उपरांत उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। माँ प्रणाम, माँ श्री महाकाली। मसान काली काकाली भद्रकाली कपाली गुही काली महाकाली गुरुकुल्ला विरोधी कालिका कालरात्रिश्च महाकाली नितंबिनी कालभैरवभार्या च कुलवर्तम प्रकाशिनी कामदा कामिनी कन्या कमनीया स्वरूपिणी कस्तूरी रस लिप्तांगी कुंजरेश्वरगामिनी ककार वर्ण सर्वांगी कामिनी कामसुंदरी कामार्ता कामरूपा च कामधेनु कलावती कांता कामस्वरूपा च कामाया कुलकामिनी कुलीना कुलवर्त्यम्बा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी। मेरी प्रथम महाविद्या काली के रूप की कथा अनंत
देती हूँ और अपनी द्वितीय महाविद्या के विषय में बताती हूँ। द्वितीय महाविद्या माता? गणेश, अपने प्रश्नों पर थोड़ा नियंत्रण रखो, कदाचित माता क्रोधित हो रही हैं। माता, श्री महाकाली का प्रचंड क्रोध जागृत हुआ तो कदाचित हम सभी उसमें भस्म हो जाएंगे। एक और प्रश्न पूछना चाहता है रे, तो पूछ। किंतु तुझसे यही अपेक्षा भी है, क्योंकि जब तक तू मेरा रहस्य जान नहीं जाता, तेरी जिज्ञासा कहाँ शांत होगी रे? पूछ, तेरे मन में क्या प्रश्न है? माता, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञाता हैं, तो मेरा प्रश्न भी आपसे छिपा कहाँ है माता? ज्ञात है मुझे, तेरा प्रश्न मुझे अवश्य ज्ञात है, किंतु यहाँ उपस्थित और किसी को नहीं, इसीलिए पूछ ले, पूछ। जो आज्ञा माता। माता, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि जब संसार में श्री महाकाली का आविर्भाव हो चुका था और उनकी कृपा से पृथ्वी का निर्माण भी आरंभ हो चुका था, तो आपकी द्वितीय महाविद्या रूप की आवश्यकता क्यों हुई? इसमें समझने का जो भी है, मैं पूर्व में ही कह चुकी हूँ गणेश। महादेव के साथ मिलकर संसार के निर्माण, पालन और संहार का कार्य है मेरा, और अपने इन सभी कार्यों के संपादन के लिए मैं अपने 10 महाविद्या रूप प्रकट करती हूँ। मैंने अपने महाकाली रूप में मधु और केटप के शरीर से पृथ्वी के कठोर धरातल का निर्माण करवाया, किंतु उससे सृष्टि का सृजन पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि जल और थल तो अब थे किंतु और कुछ नहीं था, इसीलिए सृष्टि अभी भी अपूर्ण थी। जल और थल के बाद प्राण ऊर्जा प्रदान करने के लिए सूर्य की आवश्यकता थी, जिनकी उत्पत्ति के लिए मैंने अपना देवी तारा स्वरूप धारण किया और महादेव के अक्षोभ्य स्वरूप का प्राकट्य हुआ। माँ तारा और श्री अक्षोभ्य ही आदित्य सूर्य के सृजन का कारण थे। माता, मैं ये जानने के लिए भी उत्सुक हूँ कि आदित्य सूर्य की रचना आपने कैसे की। तो सुन, ध्यान से सुन। जिस पर जीवन संभव नहीं था, इसीलिए देवी तारा का उद्भव हुआ, जिनसे आदित्य सूर्य को उत्पन्न होकर पृथ्वी पर उष्णता और प्रकाश का संचार करना था। वो देवी तारा मेरी द्वितीय महाविद्या, सर्वथा असाधारण स्वरूप है मेरा। स्वरूप है जिनमें ऊर्जा, उष्मता,
प्रकाश उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, और जब उस ऊर्जा का संयोग प्रभु अक्षोभ्य की ऊर्जा से हुआ तो वो संयुक्त ऊर्जा आदित्य सूर्य के अस्तित्व का आधार बनी। सागर के जल में समाहित हुई तो वहां अनेकों प्रज्वलित ऊर्जा पिंड उत्पन्न हुए जिससे ऊर्जा का अद्भुत विस्तार हुआ। फिर देवी तारा ने अपनी श्वास वायु से एक प्रचंड वायु प्रवाह उत्पन्न किया जिसके टकराव से और ऊर्जा पिंडों की संख्या में और वृद्धि के साथ उनका जुड़ाव आरंभ हुआ, और तब जल के भीतर निरंतर बढ़ती ऊर्जा के केंद्र आदित्य सूर्य का आकार दिखाई देने लगा। शोभ्य और देवी तारा की ऊर्जा से आदित्य सूर्य प्रस्तुत हुए। शोभ्य, आपसे जीवन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। मुझे उत्पन्न करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने पृथ्वी पर जीवन का संचार करने के लिए आपको जन्म दिया है। अब आप अपने स्थान पर रहकर सृष्टि को उष्मता, प्रकाश और जीवन दायिनी ऊर्जा प्रदान करें। दिवस और रात्रि उत्पन्न करेंगे, पृथ्वी पर ऋतुओं का चक्र स्थापित करेंगे। अब आप प्रस्थान कीजिए और सभी को जीवन देने का अपना दायित्व संभालिए। उचित है माँ। संसार में प्राण शक्ति उत्पन्न हुई जिससे प्राणियों का जीवन आरंभ हुआ, और ये सभी आपकी ही लीला से संभव हो सका है माँ। उत्तम, अति उत्तम। ये प्रथम बार है गणेश जब तूने प्रश्न नहीं पूछा, स्वयं उत्तर दिया है रे। किंतु माँ, मेरे प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए। ज्ञात है मुझे, ज्ञात है। माता, हमें बताइए ना, आपकी द्वितीय महाविद्या स्वरूपनी देवी श्री तारा के नाम का क्या अर्थ है? क्या रहस्य है इसके पीछे माँ? तारा अर्थात जगत को तारने वाली। मुझे अपने उस रूप में तारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने अपने उसी रूप में सूर्य को उत्पन्न कर जगत को तारने का कार्य किया था, और आज
आज भी मैं देवी कुष्मांडा के रूप में सूर्य के केंद्र में रहती हूँ। उनकी अधिष्ठात्री हूँ। ऐसा क्यों माता? आदित्य सूर्य को उत्पन्न करने और उन्हें उनका दायित्व समझाने के बाद आपको उनके केंद्र में स्थित रहने की क्या आवश्यकता है? आदित्य सूर्य को उत्पन्न करने और उन्हें उनका दायित्व समझाने के बाद आपको उनके केंद्र में स्थित रहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि सूर्य की शक्ति का स्रोत मैं ही हूँ रे। मेरे बिना उनकी ऊर्जा, उनका प्रकाश मन पर शांत पड़ जाता है। सूर्य सृष्टि को जीवन प्रदान करते हैं कि उसका कारण भी मैं ही हूँ रे। मेरी ही शक्ति उन्हें इसमें समर्थ बनाती है और अपने कुष्मांडा रूप में मैं यही करती हूँ रे। माता, आपने हमें अपने इस नाम का अर्थ तो बता दिया, किंतु अब ये भी बताइए कि मैं जानती हूँ तू क्या पूछना चाहता है रे। यही ना कि महादेव को अक्षोभ्य क्यों कहा जाता है? हाँ माँ। अक्षोभ्य अर्थात जो प्रत्येक अवस्था में शोभ्य रहित रहे, और महादेव तो सदा अक्षोभ्य ही रहते हैं। हलाहल विष का पान करने के बाद भी व्यथित नहीं हुए वो, सदा शांत रहते हैं वो। और ऐसा इसीलिए संभव हुआ क्योंकि कष्टों को तारने वाली देवी तारा के रूप में मैं उनके साथ रहती हूँ। मैं समझ गया माँ, आप जिनके निकट रहती हैं, उनको कोई शोभ नहीं होता, वो सदा अक्षोभ्य रहते हैं। तो माँ, क्या इसी कारण सूर्यदेव भी प्रशांत बने रहते हैं? तब स्वयं समझ गया तू, वास्तव में तू बुद्धि का देवता है। उचित कहा तूने, सूर्य सबको जीवन प्रदान करने के लिए सदा तपते रहते और स्थिर भी रहते हैं, और अपनी स्थिरता से सबको प्राण शक्ति भी प्रदान करते हैं। माता, मेरी भी एक जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। यदि सभी माता से इसी प्रकार प्रश्न पूछते रहे तो अवश्य ही माता कुपित होकर हम सभी को एक साथ दंडित करेंगे। पूछ, तू भी पूछ, क्या है तेरी जिज्ञासा रे? माता, देवी तारा के रूप में आपकी पूजा से हम भक्तों को कौन से सुफल प्राप्त होते हैं, और माँ तारा के रूप में हमें दर्शन भी प्रदान करें माँ। माता तिल सरस्वती प्रणमताम सौभाग्य संपत् प्रदे प्रत्यालीड पदस्थिते सवयदि स्मेराननाम वारुदे फुल्लेन्दीवर लोचने त्रिनयने कर्त्रो कपालोत्पले खड़गंचाददति त्वमेव शरणम। मेरी पूजा करने वाले भक्तों के शत्रुओं का नाश होता है, उन्हें अद्भुत वाक शक्ति का वरदान प्राप्त होता है, और मेरे इस रूप के भक्तों को भी देवी काली के भक्तों के समान भौतिक सुख भोग के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माता, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने अपनी कथा सुनाकर और अपने भव्य और दिव्य दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। माता तिल सरस्वती प्रणमताम सौभाग्य संपत् प्रदे प्रत्यालीड पदस्थिते सवयदि स्मेराननाम वारुदे
फूलेन्दी वरलोचने त्रिनयने कर्त्रो कपालोत्पले खड़गंचा ददति त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये। तारा च तारिणी देवी नागमुण्ड विभूषिता ललज्वा नीलवर्गा ब्रह्मरूपधरा तथा नागांचितकटी देवी नीलांबरधराधरा नामनामाष्टकमिदं स्तोत्रम् पठति शृणुयादपि तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्यात् सत्यं सत्यं महेश्वरी। माता, आपने देवी श्री महाकाली रूप में पृथ्वी का निर्माण किया, फिर माँ तारा के रूप में सूर्य देव को उत्पन्न किया। जब पृथ्वी और जीवन के स्रोत सूर्य दोनों की रचना हो चुकी थी तो आपकी तृतीय महाविद्या की क्या आवश्यकता थी? पृथ्वी, सूर्य, ये पर्याप्त है क्या? मैं कुछ समझा नहीं माता। तृतीय महाविद्या इसीलिए आवश्यक थी क्योंकि सृष्टि अभी भी अपूर्ण थी। माँ की तो प्रत्येक महाविद्या बहुत ही अद्भुत है। तृतीय महाविद्या में माँ ने कौन सा नया रूप लिया और सृष्टि को क्या प्रदान किया? अपूर्ण बनाने का दायित्व भी ईश्वर पर ही होता है, इसलिए बार बार उन्हें विभिन्न रूप में आना पड़ता है।